हेलो, वेलकम टू गेट अनदर व्लॉग। सो अभी मैं सलमान साहब को लेने आया हूँ। सलमान साहब तैयार हो रहे हैं क्योंकि हमारा प्लान है। सलमान, हमारा अकेला का प्लान है, कोई पता नहीं है, बस जाते हैं गिरने वाले साइड पे, देखते हैं क्या। प्लान तो वैसे हमारा ये है कि हम लोग क्या कहते हैं, गिरने की तरफ एक क्या कहते हैं केड़ा आता है, एक केसर आता है, वो आंधा है, लेकिन मेरा रास्ते का नहीं पता, इंटरनेट भी नहीं हमारे पास। आई विल ट्राई कि मैं मिल जाए, अगर तो मैं गया वेरी गुड, वरना फिर देखे गिरने का रास्ता। वहाँ पे जो पहला चेक पॉइंट आता है मेन गेट पे, तो हमें पता नहीं था सर, हम निकले थे, पहुँचे यहाँ पे 3 बजे। वो कह रहे हैं कि 2 बजे बंद कर देते हैं और सुबह 9 बजे जो है ना ओपन करते हैं। उन्होंने कहा अभी तो आप छुट्टी करो, वापस जाओ, तो कल आ जाना, लेकिन कल जैसे बातें काम है, कल तो नहीं आ सकेंगे। फिर हमने प्लान चेंज करने की कोशिश की, हम कह रहे हैं कुछ था, लेकिन अब मैं अपना प्लान तो ब्रेक करना पड़ रहा है। क्यों रही है कि भाई हम लोग क्या कहते हैं किधर गए थे, हाँ, लेकिन वो हमें डरने नहीं दिया, तो हम लोग रेस्टोरेंट, तो क्या कहते हैं प्लान कुछ और था, लेकिन अब हम लोग आ गए ये पीनट रेस्टोरेंट। क्या नाम है सलमान इसका? एजिच पीनट। एजिच पीनट, तो फिर आपको दिखाते हैं। ये सिकंदर क्या कहते हैं, ये सी व्यू के पास है, और क्या कहते हैं यहाँ जो मेन पैसे है ना पूरा, तो वो सी व्यू के ऊपर बैठने के है, क्यों मिस्टर सलमान? बिल्कुल ऐसी हम जगह ढूंढते अपने लिए जाके। हाँ, यहाँ बकायदा आपको वेट करना पड़ता है, क्या कहते हैं सी व्यू का जो एक पॉइंट है वहाँ बैठने के लिए। बाकी अभी देख के हम लोग ऐसे नीचे जा रहे हैं, आपको दिखा। सलमान का नाम लिखवा दिया, क्योंकि यहाँ वेट करना पड़ता है और अपना नाम लिखवाना पड़ता है वेटिंग लिस्ट में। हमें यहाँ उन्होंने बताया कि आप वेट करें बैठ के। हाँ, जो ही हमारा टेबल फ्री होगा ये हमें कॉल करेगी और हम लोग चाहिए। से जो पहले लोग थे वो तो चले गए क्योंकि उनको बुला लिया था, और उम्मीद है कि 5 मिनट 10 मिनट तक हमें भी कॉल आएगी और हम भी मतलब के तय जाएंगे। और भाई फाइनली हमको मोहसिन बे और सलमान बे के नाम से कॉल आ गई थी, और फाइनली हमें मिल गया कि सलमान साहब अभी बिजी है,
मेन्यू देखने के। सबसे मजे की बात, जब भी आप इस रेस्टोरेंट के नाते हैं तो ये लोग आपको इस तरह फिनिश सर्व करते हैं। और बाकी कभी आप लोग साइप्रस आए गिरने के अंदर और इस रेस्टोरेंट के ना आए तो सीरियसली तो आपके साइप्रस आने का कोई फायदा। सलमान साहब इस टाइम फिनिश खाने के ना बहुत बिजी है। सलमान साहब क्या का ऑर्डर दिया है इस टाइम? मैंने दिए काशी केबाब, यानी कि वो मिक्स केबाब होता है, लेकिन चिकन क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है तो मैंने मीट में मंगवाया। और सेम तरह की चीज़ है लेकिन थोड़ी डिफरेंट है, उसको बोलते हैं कारिशिक पिली। चिकन की डिफरेंट है, मतलब उसमें केबाब भी होगा, उसमें बारबेक्यू भी होगा, तो डिफरेंट चीज़ें होंगी लेकिन वो चिकन की होंगी। ऐसा ही है, वो मौसम भाई नहीं होगा। हाँ ऐसा ही है, तो बाकी आता है तो देखते हैं। और जनाब चीरे हमारी आ गई, हम तो साथ साथ बिताते। और जनाब ये आ गया है मेरा और ये सलमान का। अगर इसको बनाने का तरीका पता है, बन गया। इसमें सैलेड डालते हैं, सैलेड है हमारे पास, सैलेड हमने डाल लिया। इसके बाद हम डालेंगे हुमस। हुमस का आपको पता ही होगा, ये चिकपीस से बनती है हुमस। हाँ पाकिस्तान में घर में तो हम चने कभी नहीं खाते, लेकिन यहाँ ये बहुत खाते हैं। इनका पेस्ट है चिकपीस का और ये लोग क्रेजी हैं, ये लोग पागल हैं इस चीज़ के। ये जब आप डाल लेंगे इसके बाद बारी आएगी केबाब। मैंने क्योंकि काशी केबाब मंगवाया है, मेरे पास तीन तरह के केबाब है इस टाइम। कौन सा लोगे पहले ये? हाँ ये जो तुर्के यहाँ की इस तरह खाते हैं। हाँ और ये ऐसे डाल के तो यहाँ के लोग ऐसे खाते हैं। और मेरा सिंपल ही है, बस ये दो चीरे ले और अल्लाह अल्लाह। तो अभी हम फाइव हो गया काफ़ी के, हमने हिसाब मंगाया तो देखते पे अब हमारा क्या हिसाब क्या बता। सलमान क्या बने, कितना हिसाब डाल दिया उन्होंने जब बताएगा? 283। हाँ सही है, नॉर्मल आज तक इतनी महंगाई हो गई है। बाकी कैसा रहा? मुझे तो पसंद आया लेकिन क्वांटिटी कम थी। क्वांटिटी कम थी है ना। सलमान साहब अभी फ्रेश होने बाथरूम के लिए गए हैं और मैंने ज़्यादा वीडियो इसलिए खाने पीने के लिए बनाई क्योंकि मेरी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो थी। और वैसे भी ये पुराने के हम लोग घर वापस आएंगे। और अब तक इतने ही, तो मिलते हैं कितने वो लोग।